हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के स्टूडेंट है, आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका जनरल फाइनेंशियल रूल्स, नॉलेज ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ऑडिटर में भी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी है, और ये आपके सिलेबस का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, ठीक है। और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है कि सर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा जनरल फाइनेंशियल रूल्स। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर इसके नोट्स वगैरह हमारे पास है लेकिन पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। बहुत सारे इशूज़ हैं और इस चैप्टर को लेकर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, समान वित्तीय नियम, तो ये आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की जनरल फाइनेंशियल रूल्स की क्लास है। इस क्लास में मैं बात करूंगा कि जीएफआर में टोटल, ये सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ आप ये जान लीजिए ये जीएफआर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें कहीं चैप्टर मेंशन नहीं है कि कितने चैप्टर्स आएंगे, सिर्फ आपके सिलेबस में लिखा गया है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, और कुछ भी नहीं लिखा गया है जैसा मैं सिलेबस आप सभी का देख रहा हूँ, ठीक है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स सिर्फ आपका लिखा गया है, नॉलेज ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, चैप्टर कहीं मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मैं उस पर बात करूँगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पर मैं डिस्कस करूँगा। देन जीएफआर के बारे में आज एक क्लास मैं आप सभी यहाँ पर करने वाला हूँ, एक क्लास पूरी तरीके से डिटेल में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, जीएफआर की क्लास, ठीक है, अब आज से लगातार हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे चलने वाली है। जितने भी स्टूडेंट ऑडिटर के हैं, जितने भी स्टूडेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, या जितने भी स्टूडेंट जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों को जीएफआर पढ़ना है या पूरा कॉमर्स जो आपका सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ना है, सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है, तो बैचेस हमारे चल रहे हैं पूरी तरीके से। इन सब के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपका लॉन्च कर दिया गया है। ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर आपको किया। तो जितने भी स्टूडेंट को क्लास करनी है सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज, तो आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके ऐप को, आप कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका कोर्स मिल जाएगा मिनिमम फीस के साथ। और टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं जीएफआर में टोटल आपको कुल कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर तो आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखा है, चैप्टर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जीएफआर मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं समान वित्तीय नियम। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं जीएफआर में, एक लेंथी है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर है। जैसे अभी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आप देखेंगे तो सभी में चैप्टर मेंशन है, ठीक है। अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर, ऑडिट के हैं, टैक्सेशन वैसे ही लिख दिया गया है, मतलब इनकम टैक्स जीएसटी पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे जीएफआर भी सिर्फ लिख दिया गया है। तो जीएफआर में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। इंट्रोडक्शन भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। फिर जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल, इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तीन चीज़ें क्या पढ़नी है, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरल प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी को लेकर, ठीक है, विभाग कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना पेमेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। डिफ्लेक्शन ऑफ एंड लॉसेस, गबन और घाटा, ठीक है, विभागों में बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। सबमिशन एंड रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड और सूचनाएं प्रस्तुत करनी है जनता के सामने, सभी विभागों को, सरकारी विभागों को, उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। फिर इन सब के साथ साथ बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बजट निर्माण कार्यान्वयन, ये भी एक चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट अकाउंट्स, सरकारी खाते, ये भी आपको पढ़ना है। वर्क मतलब सरकारी विभागों के कार्य के बारे में पढ़ना है जो जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत निर्धारित किए गए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड प्रोस्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं की खरीद, मतलब विभाग वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए किन किन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पढ़ना है एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ये टोटल आपके 8 चैप्टर हो गए, और इधर अभी आपके
तीन चैप्टर हो सौर हैं। ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स, अनुदान एवं सहायता, ये आपको पढ़ना है। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है उनके बारे में पढ़ना है। ग्रांट्स इन एड मतलब सभी विभागों को जो अनुदान दिया जाता है सरकार की तरफ से, सब्सिडी वगैरह दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको लोन ओन के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट गारंटीज़, सरकारी गारंटीज़, ये भी एक चैप्टर है GFR के तहत। तो ये टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आप सभी को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा GFR ओनली एक चैप्टर है और उसी को हमें पढ़ना है। देखिए एक चैप्टर नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है और इसमें आपके इतने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हैं टोटल। तो ये पूरे 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सब्जेक्ट ही लिखा है, चैप्टर तो मेंशन है नहीं। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको भी मालूम है 65 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आपका मिस होता है तो 6,000-7,000 बच्चे हैं सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हज़ारों बच्चों के पीछे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ये 10 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद परचेजिंग वाला जो एक चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। परचेजिंग, स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स, ये भी आपका एक सिलेबस में है, इसको भी इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले ये 10 चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट के लिए है। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी ये क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास। बाकी और सभी क्लासेस के लिए, अगर जिन भी स्टूडेंट को तैयारी करना है, पढ़ना है डिटेल में, आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और जाइए कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, मिनिमम फीस के साथ है। वहाँ पे आपको 100+ क्लास लेक्चर आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और प्लस GFR की क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं आपका GFR होता क्या है। GFR की अगर हम बात करें तो GFR मतलब होता है आपका जनरल फाइनेंशियल रूल, समान वित्तीय नियम, मतलब भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया दिशा निर्देश होता है, गाइडलाइन होता है, ठीक है। इसमें ऐसे रूल बनाए जाते हैं, ये किसके लिए रूल बनाए जाते हैं, सभी कैबिनेट मंत्रालय के, मतलब केंद्रीय मंत्रालय के लिए, सभी विभागों के लिए ये रूल वगैरह बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट को, अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, किसी योजना पे काम कर रहे हैं, तो उसको आसानी तरीके से कर सकें, ठीक है। मतलब वित्तीय प्रबंधन के दिशा निर्देश के लिए बनाए जाते हैं, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ये गाइडलाइन जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और ये जो नियम है ये किस पे लागू होते हैं, ये सभी केंद्रीय मंत्रालय और सभी विभागों पे लागू होते हैं GFR, क्लियर। अभी और भी डिटेल में हम बात करेंगे, पहले और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए GFR होता क्या है। तो देखिए GFR मतलब होता क्या है, GFR मतलब होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है। 2017 ये मैं अभी बता रहा हूँ, 2017 ये अपडेटेड वर्जन है। सबसे पहले GFR आपका 1947 में लाया गया था, ठीक है, और ये 1963 में आपका अपडेट हुआ है, संशोधन हुआ है, फिर 2005 में भी शायद ये संशोधन हुआ है, फिर उसके बाद आपका 2017 में ये लेटेस्ट है आपका। आप अगर गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया गूगल पे जाके आप GFR सर्च करेंगे नोट्स वगैरह लिखकर, तो आपको अपडेटेड वर्जन यही मिलेगा, इसी का ही PDF मिलेगा। और जो फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय है, ठीक है, उन्हीं के वेबसाइट पे आपको ये नोट्स वगैरह इसका पूरी तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है, और कहीं इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो GFR की अगर हम बात कर लें तो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ये क्या होता है, दिशा निर्देश का एक सेट होता है। दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइन होता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस गाइडलाइन का उद्देश्य यह होता है कि जितने भी सरकारी विभाग है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, में वित्तीय प्रबंधन मतलब रुपये को मैनेज करना, रुपये पैसे को मैनेज करना, ठीक है, फाइनेंस को लेकर कि पैसा किस किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खर्चा हो रहा है, फंड कहाँ से आएगा, और अलग अलग प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, जनता के बीच में उसकी जानकारी देना, और वो प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और अगर कोई भी योजना बनाई जा रही है, मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, तो उसके लिए पहले से डिसीजन लेना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग को अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सभी विभागों में, सरकारी विभागों में वित्तीय प्रबंधन और लेन देन को विनियमित करना, ये सारी चीज़ें आपकी हैं किस में, GFR में आपकी हैं। GFR में जैसे सभी विभागों में जो बजट वगैरह बनते हैं, कितने पैसा खर्चा होना है,
कितना पैसा खर्चा होना है, कितनी इनकम आएगी हर एक प्रोजेक्ट से, ये सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन है, रूल है पूरी तरीके से। जितने भी ऑफिसर वगैरह हैं, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो कैबिनेट स्तर के हो, राज्य स्तर के हो, इन सभी अधिकारियों के जो इनके काम हैं, इनके बारे में भी बताया गया है GFR में, ठीक है। इनकी लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। ऑडिट ऑफिसर कौन होता है और अकाउंट्स ऑफिसर कौन होता है, ये सारी चीज़ें। और सरकारी विभागों के खातों को ऑडिट किस आधार पे किया जाएगा, जांच वोच कैसे किया जाएगा, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में आपका ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। बेसिकली हम कह दें कि सरकारी विभाग जो होते हैं वो सामान वगैरह कहाँ से खरीदते हैं, अपने विभाग के लिए जितना भी उन्हें सामान की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत, वो कहाँ से खरीदते हैं। तो उसके खरीदने के लिए सरकार ने अपनी एक साइट लॉन्च की है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जेम बोलते हैं, ई कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, हम लोग खरीदते हैं, वैसे सरकारी विभाग कहाँ से खरीदेंगे, तो वो जेम से खरीदेंगे, जेम प्लेटफॉर्म। तो सरकार ने अलग अलग तरह के चेंजेस वगैरह किए हुए, परिवर्तन किया हुआ है। सिंपल सी बात है, बस इसमें आप ये समझिए कि ये एक नियमों का सेट है, नियमों का समूह है, या हम कह सकते हैं भारत सरकार का गाइडलाइन है, जो सरकारी विभाग और भी सरकारी विभाग के साथ साथ और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट्स ही क्यों ना हो, जो सरकार की सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग जो लोग वर्क करते हैं, जितने भी विभाग, ठीक है, उन सभी के लिए ये गाइडलाइन जारी किया जाता है कि वो सही से वर्क कर सके, ठीक है, और अपने रुपए पैसे को मैनेज कर सके। ये सारी चीज़ें हैं, अभी और भी डिटेल में देखते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। या चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, सरकारी सामान्य वित्तीय नियम मतलब GFR जो है, ये भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंध के दिशा निर्देश है। ये सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों दोनों पे आपका लागू होता है। केंद्रीय मंत्रालय तो लगभग आप समझ रही होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर्स सभी पे लागू होता है, एंड विभागों में आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे, आपके पब्लिक डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, क्लियर, इन सभी पे लागू होता है। और भी अगर हम बात करें तो सामान्य वित्तीय नियम मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ये सरकारी वित्तीय प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है, सरकारी वित्तीय नियम के लिए, ठीक है, जो खर्चों को सही तरीके से नियंत्रित करने, मतलब सभी विभाग अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें GFR में मेंशन है, अलग अलग रूल में डिफाइन किया गया है। और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, जितनी भी सरकारी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन सभी का सही से यूटिलाइजेशन किया जाए सभी विभागों द्वारा, ये सारी चीज़ें इस GFR में जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत बताई गई हैं, मेंशन है। आगे अगर हम बात कर लें तो वित्तीय मामलों पर सभी कार्यकारी निर्देशों को लेकर एक साथ पहली बार 1947 में GFR लाया गया था, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। और जैसा आपको मालूम है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो लगातार अपडेट होती रहती हैं, जैसे आप एक ऐप अगर मोबाइल में डाउनलोड करते होंगे, वो भी अपडेट होता है मंथली, क्वार्टरली, कभी ना कभी तो अपडेट आता ही होगा, नया फीचर्स आता होगा। वैसे ये भी अपडेट हुआ है, 1963 में पहली बार अपडेट हुआ है, संशोधन इसमें हुआ था, फिर 2005 में संशोधन हुआ था, फिर ये 2017 ये जो आप पढ़ रहे हैं, और यही लास्ट है, तो 2017 ये चल रहा है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। यहाँ और भी डिटेल में हम बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको MCQs वगैरह कवर कराऊंगा। तो इसमें हम की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले GFR लागू कहाँ होता है, तो GFR ये नियम जो होते हैं सभी सरकारी विभाग और उनके अधीनस्थ संस्थाओं पर लागू होते हैं। अधीनस्थ संस्थाएँ क्या होती हैं, जैसे बहुत सारे जो सरकारी विभाग होते हैं उनके अंडर में भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट बॉडीज या अधीनस्थ संस्थान बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो मंत्रालय होते हैं उनके अंतर्गत भी छोटे छोटे विभाग काम करते हैं, उन्हें अधीनस्थ संस्था कहते हैं। अर्ध सरकारी भी इसमें शामिल हो जाएंगे, आपके सरकारी अर्ध सरकारी दोनों आपके आ जाएंगे, तो वहाँ पर ये आपके GFR के रूल लागू होते हैं आपके। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता जवाबदेही क्या मतलब, इसका उद्देश्य क्या होता है, GFR का मतलब होता है कि जितने भी सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। पारदर्शिता मतलब सरकारी खर्चे अगर हो रहे हैं तो वो सही तरीके से किए जाएं, ठीक है, कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह उसमें ना हो, पारदर्शिता लाना, सिंपल सी बात है। और जनता के सामने उसे रिप्रेजेंट करना, दिखाना, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है सरकार का, तो उसकी पूरी जानकारी जनता के सामने रहनी चाहिए। वेबसाइट पे आजकल आप लोग देखते होंगे, कोई भी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, आपको A to Z पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, उनके कितना फंड जारी किया गया है इस योजना के लिए, अभी तक कितनी योजनाओं पे काम किया गया है, कितने लोगों को लाभ मिला है, पूरी चीज़ें आपको मिल जाती है।
तो वही है सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगर जनता मांग करेगी तो उन्हें जवाबदेही भी सुनिश्चित करना। जैसे कोई ऑफिसर अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उससे जवाब तलब किया जाएगा। तो ये है आपका पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। बजट प्रक्रिया, भाई GFR क्या होता है? बजट बनाने और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। GFR में सभी विभागों के लिए रूल नियम बनाए गए हैं कि सभी विभाग कैसे वर्क करेंगे, बजट और कब कब अपना बजट बनाएंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी इसमें बताया गया है, सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को इसमें बताया गया है। ठीक है, आज तो मैं MCQ और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, कल जब क्लास करूँगा तो इसका चैप्टर फर्स्ट का जितने भी अधिकारी हैं सभी अधिकारियों के बारे में क्या क्या GFR में कहा गया है, उनकी कार्यों को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, वो मैं कल की क्लास में बात कर लूँगा। ठीक है, तो ये सबसे क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अधिकारियों की भूमिका मतलब ऑफिशियल रोल्स के बारे में इसमें बात किया गया है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है, जैसे लेखा अधिकारी और आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोलर, इन सब के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इन सब के साथ साथ CAG जो होता है सरकारी अधिकारी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, ठीक है, सभी लेखा अधिकारियों के बारे में, इनकी जिम्मेदारियों के बारे में मेंशन किया गया है GFR में। अंतर विभागीय समिति, इंटर डिपार्टमेंटल कंसेंट, जैसे अगर सरकार द्वारा या कोई विभाग अगर अपना डिसीजन लेती है, सरकारी कोई डिसीजन लेती है, उससे एक विभाग अगर इफेक्ट हो रहा है तो कई विभाग उससे इफेक्ट होंगे। सभी विभागों पे उस सरकार की जो भी सरकार डिसीजन लेगा सभी विभागों पे लागू होगा। ठीक है, तो सभी विभागों की आपसी सहमति के आधार पर ही ये डिसीजन लागू होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी भी मामले में कई विभाग प्रभावित होते हैं सभी विभागों की सहमति आवश्यक होती है। अनुमोदन प्रक्रिया, अप्रूवल प्रोसेस, अगर हम बात कर लें, सभी वित्तीय नियमों को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। GFR के नियम रूल वगैरह किसके द्वारा बनाया जाता है? बेसिकली वित्त मंत्रालय द्वारा इसे मॉनिटरेट किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है सभी वित्तीय नियमों को, फाइनेंशियल रूल्स को। ऑल फाइनेंशियल रूल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये अप्रूव्ड किया जाता है, लागू किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। ओके, या संदिग्ध मामलों का ज्ञान, मान लेते हैं GFR में अगर कोई भी रूल की व्याख्या, कोई भी नियम की व्याख्या में अगर संदिग्ध लग रहा है कि भैया ये सही से व्याख्या नहीं किया गया है, तो उसके लिए वित्त मंत्रालय के पास इसे भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय इसको देखेगा, फिर इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह, संशोधन वगैरह करेगा। ओके, तो ये रहा आपका GFR। मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा कि GFR होता क्या है, और जैसा कि अभी जैसे फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके सभी चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी चैप्टर्स आप कवर करेंगे, ऑटोमेटिक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अभी आज की क्लास जब आप पूरा देख लेंगे तो आपका मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि GFR होता क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत अभी हम इसमें इसके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे, उद्देश्य के बारे में इसके देखते हैं। GFR का उद्देश्य क्या होता है, वही चीज़ें हैं लेकिन हम लोग थोड़ा फास्ट देखेंगे। GFR का उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों GFR लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इन नियमों का उद्देश्य जो होता है सरकारी वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना है। ओके, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना है। लागू क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो GFR के नियम है सभी सरकारी मंत्रालय में लागू होते हैं, विभागों में लागू होते हैं, अटैच और सबऑर्डिनेट बॉडी पर भी लागू होते हैं। अटैच और सबऑर्डिनेट बॉडी मैंने आपको बताया ना, सरकारी विभाग के अंतर्गत जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, छोटे छोटे विभाग होते हैं अर्ध सरकारी, उन सब पे भी लागू होता है। ऑटोनोमस बॉडीज़ पे भी ये लागू होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो अपने ऊपर निर्भर रहती हैं। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी जैसे आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो गया, अस्पताल हो गया, तो ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर भी GFR के रूल लागू होते हैं। ठीक है, तो सभी स्वायत्त निकायों पर भी ये नियम लागू होते हैं, बशर्ते उनके अपने वित्तीय नियम सरकार द्वारा अनुमोदित हों। संशोधन अगर हम बात कर लें तो समय समय पर इनमें नियमों में संशोधन किया गया, जैसे मैंने आपको बताया 1947 में लागू किया गया, 1963 में पहली बार संशोधन, 2005 में दूसरी बार संशोधन, तीसरी बार आपका 2017 में संशोधन करके, और यही लास्ट संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, अपडेटेड वर्जन है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिए आप लोग। ओके, वित्तीय पारदर्शिता, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, एक ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, तो इन नियमों के तहत सभी सरकारी खर्चों
बजट आवंटन, मतलब बजट आवंटन ऑडिट प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से जेफआर में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी मिल सके। जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी सरकारी विभाग हैं, ये सभी अपने खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं, बजट वगैरह सभी योजनाओं के लिए कितने बजट जारी किया गया है, और इन बजटों का कहाँ पे यूज़, मतलब इन पैसों का, फंड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए, सभी के सामने रहनी चाहिए, और जनता जो है, नागरिकों को सरकारी कार्यों की उन्हें सही तरीके से जानकारी मिल सके, तभी तो वो सरकार के ऊपर बिलीव करेंगे, सभी विभागों के ऊपर विश्वास करेंगे। ओके, या जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लेते हैं कन्या विद्याधन योजना हो गया आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया आपका। अब ये सभी योजनाएं के बारे में नागरिकों को कैसे पता चलेगा भाई, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ मेंशन रहता है, ए टू जेड आप पूरा वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, कब ये लागू किया गया, कितना फंड जारी किया गया सरकार द्वारा, पिछले 2 साल 3 साल में सरकार ने कितना वर्क किया है, इस साल कितना करने की उम्मीद है, ठीक है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, इन योजनाओं पे विश्वास करते हैं और इनके लिए हम आगे अपनी सहमति देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार सामान्य वित्तीय नियम 2017 का स्पष्ट रूप से इसे पहचानने में मदद करते हैं। यह दर्शाता है कि ये नियम सामान्य वित्तीय प्रक्रियाओं और प्रबंधन के लिए लागू किए गए हैं। सरकार ने अभी बहुत सारे बदलाव भी किए हैं सामान्य वित्तीय नियम, मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स में। सबसे पहला है कि गैर योजना और योजना व्यय को अंतर को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। बहुत सारी नॉन प्लान है आपकी, और बहुत सारी प्लान एक्सपेंडिचर है, योजना बहुत सारी, मतलब नॉन प्लान है और बहुत सारी प्लान वर्क के तहत खर्च किए जाते हैं, और कुछ बिना योजनाओं के खर्च किए जाते हैं, तो इनके बीच में जितना भी पैसा खर्चा होता है उसके अंतर को इन्होंने कम कर दिया है। रेलवे बजट को इन्होंने आम बजट में विलय किया है, जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत जो संशोधन हुआ है, बदलाव किया गया है 2017 में, उसमें रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया है, और सभी विभागों को आउटपुट के बजाय उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब सभी विभागों को आउटपुट पर आधारित नहीं रहना चाहिए कि उनका कार्यों का, मतलब जो भी वर्क वो कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस योजनाओं पे वो वर्क कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है उसको ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। उनके परिणामों को ध्यान में रखकर करना है, मतलब फोकसिंग ऑन आउटकम्स रेदर देन आउटपुट्स, ठीक है। आउटपुट के बजाय परिणामों पर ध्यान रखना है, ठीक है, रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। ओके, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब डीबीटी सिस्टम स्कीम, ये होता है कि विभागों द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जा रही है उसका लाभ जनता को सीधे उनके खातों तक पहुंचाया जा सके, सीधे जनता तक पहुंच उन लाभों का, मतलब उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल सके, यही होता है डीबीटी स्कीम। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके, तो ये फॉलो किया जाएगा सभी विभागों द्वारा। आप भी देखते होंगे कि आजकल बेरोजगारी भत्ता का जो पैसा है वो आपके सीधा खाते में आता है, स्कॉलरशिप अब आपके खाते में आता है, सभी बच्चों का जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, उनके खाते में ही सीधा आता है, पहले हाथों में दिया जाता अब खाते में आता है। इन सब के साथ साथ जितना भी वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, और भी बहुत सारी जो पेंशन वगैरह सरकार द्वारा दिया जाता है, सीधे खाते में भेजा जाता है। इवन इफ गैस का जो सब्सिडी है वो भी सीधा सीधा आपके खाते में जाता है, कहीं कोई कैश की बात नहीं अब हो रही है। इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ठीक है। पहले क्या रहता था, स्कॉलरशिप अगर सभी बच्चों का 1400 रुपया देना है तो 400 रुपया मास्टर रख लेते थे, 1000 बच्चों को मिलता था, यहीं पे ही भ्रष्टाचार हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब सीधा उस बच्चे के खाते में वो पैसा जा रहा है, कोई ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है स्कॉलरशिप में कि कहीं बेईमानी हो। तो यही होता है डीबीटी स्कीम, ठीक है। तो ये भी सभी विभागों पे लागू किया जाना चाहिए, इस रूल के तहत बताया गया। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, नई साइटें, मतलब न्यू साइट सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। और ये पोर्टल जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, सरकारी ई मार्केटिंग जेम लॉन्च किया गया है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये सरकार का पोर्टल है। सरकारी विभागों को जो भी ए टू जेड सामान खरीदना है वो इस पोर्टल पर मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। आप जाइए, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको यहाँ से मिल जाएगा। जितने सरकारी विभाग हैं, जैसे बैंक अगर मैं बात कर लूँ, SBI बैंक में वहाँ पर चेयर की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत है, वाईफाई पूरा, मतलब बॉक्स सेट बॉक्स ये ज़रूरत है, पेन कॉपी कलम
पेपर सबकी ज़रूरत है। तो इन लोग अब ये लोग कहाँ से खरीदते हैं? पहले क्या रहता था, पहले टेंडर वगैरह सरकार ये लोग टेंडर निकालते थे, फिर जो भी कंपनियाँ हैं उस टेंडर को अप्रूवल मिलता था, कई सारी कंपनियाँ अपने अपने टेंडर पास कराने के लिए फॉर्म भरती थी, फिर टेंडर जिसको मिलता था वही क्या करता था, इन विभागों की खाना पूर्ति करता था, सभी सामानों को सप्लाई करता था, ऐसे खरीद होती थी। अब क्या है, अब जेम आ गया है, और जेम आ गया है मतलब गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस, जितने भी विभागों को जो भी सामान चाहिए इस डायरेक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं जेम पोर्टल से। तो ये सारी चीज़ें बदलाव की गई हैं जेम मतलब सॉरी जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत। ठीक है, अभी ये थियोरी क्लास है, अब मैं यहाँ पर कुछ MCQs यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका था, अब मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन था, ये आपका कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि आपका जनरल फाइनेंशियल रूल होता क्या है। ओके, चलिए यहाँ पे अब चैप्टर फर्स्ट से हम लोग क्वेश्चन यहाँ कवर करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य वित्तीय नियम 2017 कब से लागू होते हैं, मतलब GFR मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 ये कब से लागू होता है। तो ये इंस्टेंट लागू होता है, तुरंत लागू होता है। जैसे ये 2017 में देखिए अपडेटेड वर्जन है, सबसे पहले तो 1947 में आया था, और 63/2005 में अपडेट हो गया, 2017 में अपडेट हुआ। कोई भी विभाग अगर गठन किया जाता है तो उस में से कोई भी नया विभाग बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो GFR के नियम तुरंत उस पर लागू हो जाएंगे। इसमें नहीं है कि फला डेट में, इसमें कोई फाइनेंशियल ईयर हो, अकाउंटिंग पीरियड हो, ऐसे लागू होगा, वैसे नहीं, तुरंत उस विभाग पर लागू हो जाता है, मतलब सभी विभागों पर लागू होता है और तुरंत लागू होता है। ओके, GFR के नियम रूल्स अभी मैं अगली क्लास में जब मैं बताऊंगा, तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, पहले चैप्टर में ही आपको कम से कम रूल 15 तक लगभग आपको पूरा पढ़ना रहेगा, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 1-to-1 पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, या तो देखिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, इसका मतलब है कि जैसे ही इन नियमों को जारी किया गया वैसे ही केंद्रीय मंत्रालय विभाग संबंधित संस्थाओं पर ये लागू हो गया। जैसे ही ये नियम लागू किया गया था, जारी किया गया था, सभी विभागों पर तुरंत लागू हो गया, सभी को फॉलो करना है, तत्काल प्रभाव में ये लागू होता है। ठीक है, और तुरंत लागू किया जाता है, मतलब ये नियम बिना किसी विलंब के लागू होते हैं, ताकि सरकारी वित्तीय प्रबंधन में सभी सरकारी संस्थाओं में विभागों में जो वित्तीय प्रबंधन को लेकर सुधार लाया जा सके। ओके, या और यहाँ पे और भी हम बात कर लें, ऑब्जेक्टिव्स फिर आ गया। ऑब्जेक्टिव्स जैसा मैं सभी को बता दूँ, मेरी जितनी भी क्लासेस रहती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को डिटेल में क्लासेस मिले, नोट्स भी मिले, तो ऐसा नोट्स मिले कि एक बार क्लास लेक्चर एक बार नोट्स आप पढ़ लीजिए, पूरा आपका यहीं तैयार हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, आइए उसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। समय सीमा, तो देखिए GFR की समय सीमा, इसके तहत केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को इन नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर किया गया है, जिससे कोई भी इसमें असंगतता मतलब इनकन्सिस्टेंसी ना रहे, सभी विभाग सही से काम करें, कोई भी गलती की संभावना ना रहे। और सामान्य वित्तीय नियम 2017 तुरंत लागू होना सरकारी वित्तीय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, मतलब तुरंत लागू किया जा रहा है, जिससे सभी सरकारी विभाग क्या कर सके, वित्तीय प्रक्रिया को, रुपए पैसों को लेकर कोई भी मतलब गबन होने की या कोई भी मतलब गलती होने की संभावना ही ना रहे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सामान्य वित्तीय नियम 2017 किसके लिए लागू होते हैं, तो ये सभी केंद्रीय मंत्रालय और सभी विभागों में लागू होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अभी मैंने अभी क्लास में आपको बताया है, सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों और संबंधित संगठनों पर लागू होते हैं। इसका उद्देश्य सभी सरकारी वित्तीय प्रबंधन को बेहतर तरीके से बनाना है, सभी अच्छे से वर्क कर सके। सामान्य वित्तीय नियम 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अब ऑप्शन भी आपका क्लियर हो रहा होगा, देख कर ही आप बता सकते होंगे कि इसका यही राइट आंसर होगा। ओके, GFR का उद्देश्य है सरकारी मंत्रालय विभाग के भीतर वित्तीय लेन देन की प्रक्रियाएं क्या हो, पारदर्शी हो, मतलब जनता के सामने हो, खुले तौर पर हो, इसका मतलब प्रक्रियाएं स्पष्ट और जाँच के लिए खुली हो, भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, और धन के दुरुपयोग की संभावना भी इससे कम हो जाती है। आपको मालूम है विभागों में बहुत भ्रष्टाचार होता है, कोई भी योजनाएं आती हैं, अगर 1 करोड़ मान लेते हैं कोई भी योजना सरकार लॉन्च कर रही है, उसके पीछे सरकार ने अगर 1 करोड़ रुपया पूरी तरीके से उस योजना में सरकार ने फंडेड किया है उन योजनाओं में, ठीक है, 1 करोड़ रुपया जारी कर दिया है, अब वो क्या 1 करोड़ रुपया पूरी योजनाओं में बंटता होगा, आप ही बताइए, बहुत सारा पैसा इधर का उधर हो जाता है। ठीक है, अगर एक पुल भी बन रहा है या एक सड़क भी बन रहा है तो कितना पैसा इधर का उधर हो जाएगा, फिर जाके वो थोड़ा बहुत 50% 25% ही उस पर काम होता है। तो ये GFR लाने का मतलब है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से मुक्त करना है।
ठीक है, करप्शन पूरी तरीके से हटाना है। अब काफ़ी हद तक सरकार ने इसमें सफलता हासिल कर ली है, भ्रष्टाचार काफ़ी कम भी हो गए हैं GFR के आने से, ठीक है। दक्षता हो गया, मतलब सामान्य वित्तीय नियम को व्यवस्थित करने, अधिक कुशलता बनाने, डिजाइन करने के लिए किया गया है। इसमें बजट व लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है, जिससे सरकारी निकायों को वित्त को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सके। तो ये आपका हो गया जवाबदेही, सभी सरकारी अधिकारियों को पूरी तरीके से जवाबदेही, मतलब अपने कार्य के प्रति जवाबदेही देनी पड़ेगी, ठीक है। विभागों की जब जवाबदेही को बढ़ाना है, इससे स्पष्ट दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक है, और जवाबदेही सार्वजनिक धन के बेहतर प्रबंधन में क्या करती है, मदद करती है, ओके। वित्तीय प्रबंधन में सुधार, जैसा मैंने आपको बताया, सार्वजनिक विश्वास, ओके, मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस भी रहता है भाई, जनता विश्वास करती है GFR के आने से भाई, सारी चीज़ें सामने हैं, ठीक है। मतलब बढ़ी हुई पारदर्शिता, कुशल वित्तीय प्रबंधन सरकारी संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास बनाने में ये मदद करता है। जब नागरिक ये देखते हैं कि जितने भी फंड, मतलब निधियों का प्रबंधन किया जा रहा है, सभी रुपए पैसे का जो भी जैसे मैनेज किया जा रहा है, सभी योजनाओं पे, प्रोजेक्ट पे जिम्मेदारी से किया जा रहा है, तो वो सरकार पे भी विश्वास करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय नियम 2017 का प्रमुख लाभ है, प्रमुख लाभ क्या है? सरकारी खर्चों में वृद्धि, नहीं, गलत है। कर्मचारियों के लिए बोनस, गलत है। करों में कटौती, गलत है। वित्तीय प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, ये आपका सही है। ट्रांसपेरेंसी लाता है फाइनेंशियल प्रोसेस को लेकर, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये सारी चीज़ें डिटेल में है, जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर नोट्स आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे, और मैसेज टाइप कर दीजिए कि सर मुझे इसका नोट्स चाहिए, हमारे ऑपरेटर आपको इस क्लास का जो नोट्स है वो आपको PDF सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सअप। जब आप मैसेज करेंगे तो आपके व्हाट्सअप नंबर पे वो आपको इस PDF इस क्लास का नोट्स आपको शेयर कर देंगे, ओके, जितने भी स्टूडेंट को चाहिए। GFR के तहत क्लियर गाइडेंस, गाइडलाइंस जारी किया जाता है, मतलब ये नियम वित्तीय प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जिससे सरकारी विभाग मंत्रालय अपने वित्तीय कार्यों को समझदारी से संचालित कर सके, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। सार्वजनिक निगरानी, पारदर्शिता से नागरिकों को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग उचित तरीके से किया जा रहा है, और यह नागरिकों को अधिकारों को अधिक सशक्त बनाने में मदद करता है। भ्रष्टाचार में कमी लाती है GFR, निवेशकों का भरोसा रहता है भाई, सारी चीज़ें सभी जानकारियां मालूम हो जाती हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सभी लोग विश्वास करते हैं, और जितने इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑडिट मतलब जांच, छानबीन की जिम्मेदारी किसकी होती है? गहन जांच की जिम्मेदारी किसकी होती है? लेखा परीक्षक की होती है, लेखा परीक्षक, लेखा अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे तो दो दो लेखा अधिकारी हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन पे चलेंगे। ऑडिट ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ऑडिट ऑफिसर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत, ठीक है, उसी की जिम्मेदारी होती है, ओके। ऑडिट की जिम्मेदारी ऑडिट ऑफिसर की होती है, उसका कार्य क्या क्या होता है ऑडिट ऑफिसर का, मतलब ऑडिट ऑफिसर जो होता है जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत, वो सारी जिम्मेदारियाँ आपकी निभाता है, सभी विभागों के लेखों की मतलब अकाउंट्स को पूरी तरीके से वेरीफाई करता है, जांच करता है, छानबीन करता है, सभी प्रोजेक्ट पे कितना फंड जारी किया गया, अप्रूवल कितना मिला है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पर आप देखिए। तो सबसे पहले ऑडिट प्रक्रिया का वो संचालन करता है, कंडक्टिंग द ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट ऑफिसर जो होता है वो सरकारी वित्तीय गतिविधियों का ऑडिट करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जितने भी सभी विभागों के बीच में, एक विभाग दूसरे विभागों के बीच में जितने भी लेन देन हुए हैं, ठीक है, वो नियमों और विनियमों के अनुसार हो रहा है, ठीक है, सही रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही है, मतलब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये लेन देन हो रहा है। जैसे एक विभाग में मान लेते हैं बहुत सारे गुड्स वगैरह नहीं है, जैसे मैं कह दूँ कि एक बैंक है, ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि एक विभाग में कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप नहीं, पेन नहीं है, कॉपी कलम पेपर्स नहीं है, तो वो दूसरे विभाग से क्या कर सकता है, ठीक है, मंगवा सकता है, अपने नियरेस्ट ब्रांच से मंगवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी, ठीक है, और दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, कहाँ से मंगाया गया है, या दूसरे विभाग से भी, या पोर्टल वगैरह से भी, जैसा मैंने बोला ना, जेम पोर्टल से भी वो लोग खरीद सकते हैं,
तो सभी चीज़ों की जांच करता है ऑडिट ऑफिसर, कितना सामान मंगाया गया, तो ये हो गया आपका। अनियमितताओं की पहचान, मतलब ये अधिकारी वित्तीय अनियमितताओं, जैसे कि गलत खर्च ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, अनाधिकृत लेन देन ना हो, वित्तीय धोखाधड़ी ना हो सभी विभागों में, तो इन सब की पहचान करने में ये अधिकारी क्या करता है, पूरी तरीके से मदद करता है सरकार की। ओके, रिपोर्ट तैयार करता है भाई ऑडिट ऑफिसर, क्या करता है सभी ऑडिट सभी विभागों पे उसने जांच वगैरह कर लिया, लेखो वगैरह देख लिया, फिर उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उस पर अपना पूरी तरीके से टिप्पणी कर देता है, अपना मैं कहूँगा रिव्यू देता है, अनुशंसा शामिल होती है। और ये रिपोर्ट वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। सरकारी निकायों की जवाबदेही, मतलब ऑडिट ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी निकायों के वित्तीय गतिविधियों के लिए उसे जवाबदेही ठहराया जा सके, यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी विभागों ने नियमों का पालन किया है, ये सारी चीज़ें चेक करके वो सरकार को रिपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GFR में परिभाषित विनियोजन शब्द का क्या अर्थ है। विनियोजन शब्द का अर्थ है कि किसी विशिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए कितना पैसा अभी तक, मतलब कितना फंड सरकार द्वारा जारी किया गया है किसी विशिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मतलब निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए कितना फंड सरकार द्वारा अलॉट किया गया है, जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय प्रकृति के अनुसार वित्तीय विनियमों को मंजूरी देने के लिए कौन सा निकाय पूरी तरीके से लायबल होता है, जिम्मेदार होता है, तो वित्त मंत्रालय होता है आपका। ठीक है, वित्त मंत्रालय ही पूरी तरीके से वित्तीय विनियमों, जितना भी फाइनेंस को लेकर जितने भी रूल वगैरह बनाए गए हैं GFR में, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो आपका कौन होता है, वित्त मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका होता है। ओके, चलिए, GFR के तहत सक्षम अधिकारी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसे पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है GFR के तहत, तो राष्ट्रपति हो सकता है और कोई भी प्रत्यायोजित प्रभारी प्राधिकारी हो सकता है GFR के तहत, मतलब प्रेसिडेंट हो सकता है या एनी डेलीगेटेड अथॉरिटी कोई भी हो सकता है GFR के तहत, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में कोई भी हो सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो सकता है या कोई भी प्रत्यायोजित प्राधिकारी हो सकता है, सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी GFR के तहत डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। ओके, सक्षम प्राधिकारी का तहत तात्पर्य मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी से है जो इन नियमों अन्य संबंधित आदेशों के तहत शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GFR के अनुसार आवर्ती व्यय का मतलब क्या होता है। आवर्ती मतलब एक के बाद होने वाला, जैसे आप लोगों ने आवर्ती संख्या पढ़ा होगा ना, मतलब एक के बाद आने वाला। ठीक है, तो आवर्ती व्यय क्या होता है, आवर्ती व्यय होता है कि जो एक ही उद्देश्य के लिए आवधिक अंतराल पर किए जाने वाला व्यय है, एक ही उद्देश्य से जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह खर्चे वगैरह किए जाते हैं और नियमित अंतराल पे किए जाते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं आवर्ती व्यय, जिसे हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किए जाते हैं पीरियड इंटरवल फॉर द सेम पर्पस। ओके, तो ये आपके होते हैं। ओके, या चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम 3, जैसा मैंने आपको कहा है कल मैं आपको पूरा रूल पढ़ा दूंगा चैप्टर फर्स्ट का, और डेली एक एक चैप्टर फाइनल होगा, 10 दिन में ये पूरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा आपका, 10 चैप्टर, और 10 चैप्टर से टारगेट यही है कि आप सभी लोगों को मैं कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन में करा दूंगा GFR का 10 चैप्टर से, और मेरे हिसाब से उतना अगर आप कर लेते हैं तो GFR का अगर 2 भी क्वेश्चन आता है, या मैं कह दूं 5 क्वेश्चन भी अगर आ गया GFR से, कहीं ऐसा लिखा नहीं है, अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन ही अगर आपका आ गया, तो लगभग आपका सोच लीजिए काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और GFR से आपका टोटल जो आ भी रहा है वो आपका है 15 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम, बैंक रिकंसिलेशन, GFR से टोटल 15 क्वेश्चन आ रहा है, तो टोटल 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो मैं 300 करा दूंगा तो उससे 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। चलिए, नियम 3 के अनुसार अंतर विभागीय परामर्श कब होने चाहिए, मतलब रूल जो 3rd रूल है वो कहता है कि अंतर विभागीय परामर्श कब होने चाहिए, मतलब आपके इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन, अंतर विभागीय परामर्श, एक विभाग दूसरे विभाग से परामर्श वगैरह जो लिया जाता है दूसरे विभाग से, वो कब किया जाना चाहिए, तो ये आपका किया जाना चाहिए, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन अ सब्जेक्ट अफेक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट, जब कोई विषय हो जो कई विभागों को प्रभावित करता है तो सभी विभाग आपस में डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, सभी विभाग आपस में डिसीजन वगैरह ले सकते हैं और परामर्श वगैरह कर सकते हैं। ओके, या
चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए, अंतर विभागीय परामर्श तब आवश्यक होते हैं जब कोई मामला एक से अधिक विभागों से संबंधित हो और यह सुनिश्चित करते हुए सभी प्रभावित पक्ष सहमत हो। रूल फोर के बारे में क्या पूछा गया है? कह रहा है GFR रूल फोर के तहत प्रकृति के विभागीय विनियमों के बारे में क्या कहता है। मतलब रूल फोर स्टेट क्या बताता है? डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स। तो ये बताता है आपका दे मस्ट बी मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रूल फोर ये बताता है कि इन्हें वित्तीय मंत्रालय द्वारा बनाया जाना चाहिए। मतलब विभागीय प्रकृति के जो विभागीय विनियमों के बारे में जो बताता है वो मतलब डिपार्टमेंट, मतलब सभी डिपार्टमेंट का, ठीक है, सभी विभागों का जो विनियमन है, ठीक है, मतलब रेगुलेशन है, रूल वूल वगैरह है, ये सभी वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाना चाहिए। विभागों का जो दिशा निर्देश है वो वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाना चाहिए, रुपए पैसे को लेकर जो दिशा निर्देश है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, GFR के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के बारे में संदेह होने पर क्या किया जाना चाहिए? भाई GFR के तहत किसी भी रूल के तहत जो भी व्याख्या की गई है उसके बारे में अगर कोई भी आपको संदेह है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित करें, ठीक है, आपको रिफ़र करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर डिसीजन। वित्त मंत्रालय को डिसीजन के लिए आपको भेजना होगा, रिफ़र करना होगा, ठीक है, संदर्भित करना होगा। बी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। GFR के प्रावधानों की व्याख्या के बारे में किसी भी संदेह को स्पष्टता के लिए वित्त मंत्रालय को ये भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका GFR में परिभाषित कैपेक्स मॉडल का क्या महत्व है। अब कैपेक्स मॉडल क्या है GFR के तहत? तो GFR के तहत जो आपका कैपेक्स मॉडल है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी माल की सीधी खरीद और रख रखाव शामिल है, कैपेक्स मॉडल। ओके, या तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैपेक्स मॉडल क्या है? तो कैपेक्स मॉडल, इसको जरा आप ध्यान से समझिए, कैपेक्स मॉडल सरकार द्वारा ये लाया गया है और कैपेक्स मॉडल का उद्देश्य है कि सरकार जितना भी पूंजीगत खर्च कर रही है, पूंजीगत मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना भी गवर्नमेंट, जैसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं, ये सारी चीज़ें मशीन है, स्टॉक है, जितने भी पूंजीगत खर्चे हैं, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से खरीदा जा सके, निवेश किया जा सके, इन्वेस्ट किया जा सके, तो यही होता है कैपेक्स मॉडल का उद्देश्य। यह भी हम कह सकते हैं कि जो कैपेक्स मॉडल का जो उद्देश्य है, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के प्रबंधन और नियोजन को पूरी तरीके से बेहतर बनाना। पूंजीगत व्यय मतलब जितना भी फिक्स एसेट्स में जितना पैसा खर्चा किया जाता है वो आपके किस में आते हैं? वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए और इन सब के साथ साथ उसका प्लानिंग बेहतर तरीके से किया जाए, ये होता है कैपेक्स मॉडल। मतलब कैपेक्स से तात्पर्य उन खर्चों से है जो दीर्घकालीन संपत्तियों के निर्माण और अधिग्रहण में निवेश किए जाते हैं, तो यही होता है कैपेक्स मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है? सीधी खरीद और रखरखाव शामिल होता है, सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को सही तरीके से मैनेज करना। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कैपेक्स मॉडल में माल की सीधी खरीद के लिए पूंजीगत व्यय शामिल है, इसमें रखरखाव और अंतिम निपटान भी इसमें शामिल होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है GFR के संदर्भ में स्थानीय निधि मतलब लोकल फंड का मतलब क्या होता है। GFR के तहत आपका लोकल फंड का मतलब क्या होता है? ओके, तो लोकल फंड का मतलब होता है ट्रेजरी नियमों में परिभाषित किया गया एक स्थानीय कोष होता है आपका, ठीक है। स्थानीय निधि GFR में ट्रेजरी नियमों में परिभाषित किया गया एक स्थानीय कोष होता है आपका लोकल फंड। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें, स्थानीय निधि जो विशेष रूप से ट्रेजरी नियमों में परिभाषित किया गया, जो स्थानीय प्रशासन के लिए कानूनी रूप से हकदार और सशक्त निधियों को यह संदर्भित करता है। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। GFR में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को लेखाधिकारी कहा गया है? तो GFR में किसको लेखाधिकारी कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका वेतन एवं लेखा कार्यालय अध्यक्ष को कहा गया है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेड जो होते हैं, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हें कहा गया है। मतलब जो वेतन और लेखा कार्यालय अध्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें ही लेखा अधिकारी कहा गया है GFR के तहत, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। GFR के तहत सार्वजनिक खाता का मतलब क्या होता है? मतलब पब्लिक अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स का मतलब जैसे आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा आर्टिकल 266(2), तो उसमें भारत के मतलब सार्वजनिक खाते के बारे में वहाँ डिस्कशन किया गया है,
संविधान में व्याख्या की गई है। तो सार्वजनिक खाता का मतलब, पब्लिक अकाउंट्स का मतलब, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत का जो सार्वजनिक खाता है वही होता है आपका पब्लिक अकाउंट्स। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल 266(2) के तहत सार्वजनिक खाते को परिभाषित किया गया है, जिसमें सरकारी राजस्व के लिए नए बने फंड शामिल होते हैं। GFR के तहत आकस्मिक निधि की परिभाषा क्या होती है? आकस्मिक मतलब जो अचानक आपको ज़रूरत हो, आकस्मिक निधि मतलब आपको तत्काल ज़रूरत हो। तो GFR में जो आपका कॉन्टिंजेंसी फंड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कॉन्टिंजेंसी फंड का मतलब? तो सरकार द्वारा ये एक ऐसा फंड स्थापित किया गया है जो आपात स्थितियों में सरकार की हेल्प करता है। मतलब जैसे आप ही के पास अगर कुछ पैसा आप अपनी तिजोरी गले में बचा के रखते हैं, जिससे अचानक अगर आपको इंस्टेंट ज़रूरत पड़ गया तो आप उसको लगा सकते हैं। तो वैसे सरकार भी कुछ फंड वगैरह कॉन्टिंजेंसी फंड जिसे हम बोलते हैं अलग से बचा कर गवर्नमेंट रखती है, जिससे सही समय पर उसे यूज़ किया जा सके। तो सरकार द्वारा स्थापित आपात स्थितियों के लिए एक निधि होती है, एक फंड होता है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये याद कर लीजिए, भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के तहत वर्णित किया गया है आकस्मिक निधि। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। GFR के अनुसार व्यय राजस्व संग्रह को नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लायबल होता है? एक्सपेंसेस को रिवेन्यू कलेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये आपका जो जिम्मेदार होता है वो आपका है सी इज द राइट आंसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये आपका जिम्मेदार होता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ओके, नियंत्रण अधिकारी जो होता है एक विभाग के व्यय और राजस्व संग्रह मतलब उसकी देख रेख के लिए ये जिम्मेदार होता है। ओके, आगे बात कर ले, GFR के संदर्भ में किसे आरण और संवितरण अधिकारी कहा गया है? स आरण और संवितरण अधिकारी मतलब हु इज रिपोर्टेड एज अ ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर किसे कहा गया है GFR के तहत? तो ये कहा गया है अ हेड ऑफ ऑफिस और डिजाइनेटेड गैजेट ऑफिसर ऑथोराइज बाई द मेक पेमेंट। मतलब ये ऐसा अधिकारी है जो भुगतान करने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत होता है, और या एक कार्यालय का प्रमुख होता है या नामित राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, भुगतान करने के लिए ये रजिस्टर्ड रहता है सभी, मतलब सीधी सी बात है, ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो किसी प्रोजेक्ट पे कितना मुझसे पेमेंट किया जाए, हर एक प्रोजेक्ट पे कितना मतलब खर्चा आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है उसके भुगतान के लिए। तो भुगतान करने के लिए अधिकृत कार्यालय प्रमुख या नामित राजपत्रित अधिकारी ये होता है। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे आहरण एवं संवितरण अधिकारी को विशेष रूप से सरकार की ओर से बिल बनाने और भुगतान करने के लिए नामित किया जाता है। मैंने बताया ना सभी विभागों को कितना किस प्रोजेक्ट पे कितना फंड मिलना चाहिए, उसके लिए बिल बनाना और उनको फंड मुहैया कराने के लिए जो जिम्मेदार होता है वही वही होता है आपका। ठीक है, आहरण एवं संवितरण अधिकारी। GFR में परिभाषित वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, यही फाइनेंशियल ईयर है और GFR का ये 100% आपके एग्जाम में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए आप लोग। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये फाइनेंशियल रूल फाइनेंशियल ईयर है GFR में। मतलब भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है, उसी को GFR में भी लागू किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में समेकित निधि का उल्लेख किया गया है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किया गया? तो आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 में ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, अनुच्छेद 266(1) में ये एक्सप्लेन किया गया है समेकित निधि के बारे में। GFR के तहत प्रशासक कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर किसे डिफाइन किया गया है GFR में? तो एडमिनिस्ट्रेटर किसे डिफाइन किया गया है? तो ये डिफाइन किया गया है किसी केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है उसे ही एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन किया गया है GFR के तहत। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, ये आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, उसकी प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो वो पहली बात, वो सरकार का ऑडिटर होता है। जो कैग होता है वो सरकार का लेखा परीक्षक होता है, सरकार का ऑडिटर होता है, सरकार के सभी खातों के बारे में जानकारी वही मतलब सभी खातों को वही जाँचता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रही है, कितना फंड किस किस प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। ठीक है, सरकार को लॉस कितना हुआ है, सरकार को रिवेन्यू कितना किस किस जगह से आ रहा है, कितना मिल रहा है, तो ये सब की जानकारी कौन मैनेज करता है? ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिसे सरकार का ऑडिटर बोलते हैं, ये सरकारी खातों को ऑडिट करता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरकार के ऑडिट खातों को ऑडिट करने की जिम्मेदारी होती है। नियम 6 GFR का जो नियम 6 है उसमें संशोधन के बारे में क्या कहा गया है?
जीएफआर का जो नियम 6 है, रूल 6 है, उसके बारे में संशोधन के बारे में क्या कहा गया है? संशोधन के बारे में कहा गया है कि संशोधन केवल वित्त मंत्रालय की मंजूरी से ही किए जा सकते हैं, ठीक है। संशोधन जो है, मॉडिफिकेशन जीएफआर में, सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। ये रूल 6 में कहा गया है, वित्त मंत्रालय चाहेगा तो संशोधन होगा जीएफआर के रूल में, वरना नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओपेक्स मॉडल का मतलब क्या होता है? ओपेक्स मॉडल का क्या मतलब है जीएफआर में? मतलब व्हाट डज द ओपेक्स मॉडल स्टैंड फॉर? ओपेक्स मॉडल का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल। इसका फुल फॉर्म है ओपेक्स का, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल, ये इसका फुल फॉर्म है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके ओपेक्स का, ठीक है। ओपेक्स मॉडल है क्या ये, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए, ओपेक्स मॉडल का मतलब होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जितने भी सरकारी विभाग हैं, सभी सरकारी विभागों में जो दैनिक खर्चे होते हैं, डेली बेसिस में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, ठीक है, मतलब विभाग को चलाने के लिए जो जितने डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, दैनिक खर्चे होते हैं, उनका प्रबंधन और उनका नियोजन सही तरीके से किया जा सके, मैनेजमेंट और प्लानिंग उनकी सही तरीके से किया जा सके, यही ओपेक्स मॉडल का उद्देश्य है, ओके। जैसे और भी अगर मैं बात कर लूँ, ओपेक्स से तात्पर्य उन खर्चों से है जो दैनिक संचालन के लिए आवश्यक हैं, जैसे वेतन हो गया, रखरखाव हो गया, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, तो उन सभी खर्चों को मैनेज करना ही ओपेक्स मॉडल में पूरी तरीके से बताया गया है, ओपेक्स मॉडल के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे ओपेक्स मॉडल विक्रेता सामान उपलब्ध कराता है, उसका रखरखाव करता है और खरीदार द्वारा किए गए भुगतान के साथ उन्हें वापस लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय मॉडल अनुबंध की शर्तों के आधार पर अलग अलग भुगतान की अनुमति देता है? तो ये आपका ओपेक्स मॉडल ही है, ठीक है। मतलब ओपेक्स मॉडल में ही आपकी अनुबंध की शर्तों के आधार पर अलग अलग भुगतान की अनुमति दिया जाता है, मतलब अलग अलग खर्चों को अलग अलग तरीके से पेमेंट किया जाएगा ओपेक्स मॉडल के तहत, ठीक है, अनुबंध की शर्तों के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। बाकी कल की क्लास में जब मैं आपको रूल वगैरह पढ़ाऊंगा, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, पहले चैप्टर में ही आपको 15 से 16 रूल मिल जाएगा, वो पूरा कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ मैंने एमसीक्यूज कवर करा दिया, ओके। अब जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सभी लोगों को कॉमर्स की कम्प्लीट प्रिपरेशन करनी है, मतलब UP SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का, और आपको अगर GFR पढ़ना है, तो बैचेस अभी चल रहे हैं, एक्टिव हैं, अभी बैच ज्वाइन करेंगे तो 100+ क्लास लेक्चर, उनका नोट्स, मैराथन क्लास, उनका नोट्स, मॉक टेस्ट जो वीकली दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा, और प्लस GFR की क्लासेस इधर लगातार आपको मिल जाएंगी। परचेजिंग जो स्टोर वाला है चैप्टर, वो भी आपको मैं पूरा कवर कराऊंगा डिटेल में। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वहाँ से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। किसी भी अदर जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप सबके लिए मैं क्लासेस वगैरह लाते रहूं। तो ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी क्लास लगी, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर एंड गुड बाय।